हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों 2019 से अब तक लगातार ह्यूंडई वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपने सभी अराइवल्स को कड़ी टक्कर देती आ रही है। फेसलिफ्ट वर्जन आने के बाद 2023 में इसके लुक्स को देखा जाए तो ये कार वाकई में अब बिल्कुल छोटी क्रेटा लग रही है। वहीं इसके एक्सटीरियर पर नज़र डालते हैं तो इसको बहुत सारे नए एलिमेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि इसकी क्रोम लाइन ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स जो वाकई में शानदार लगते हैं, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप जो इसके लुक को बहुत एनहेंस करते हैं, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच ड्यूअल अलॉयज और सनरूफ जैसे एड ऑन इसको एक प्रीमियम स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो ह्यूंडई वेन्यू अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार है जो सेल्फ एम्बेडेड सिम के साथ आती है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स जो सेगमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं ह्यूंडई के द्वारा, जैसे कि रिमोट इंजन स्टार्ट पेडल लैंप, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट और 3 इंजन ऑप्शंस भी मिलते हैं इस कार में आपको। तो चलिए डालते हैं इस पर एक नज़र और बताते हैं आपको इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स पेट्रोल और डीजल दोनों के बारे में, उनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन दोनों बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, नज़र डालते हैं इसके इंटीरियर पे। तो इसमें डे नाइट IRVM के साथ साथ आपको प्रीमियम डैशबोर्ड लुक मिलता है और डैशबोर्ड में थोड़ी सी स्पेस दी गई है बाहर थोड़े बहुत स्टोरेज के साथ, और साथ ही में आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स भी मिलते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 8 इंच इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलते हैं जो कि 60+ फीचर सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है जो कि डायनामिक गाइडलाइंस को सपोर्ट करता है। मल्टी रीजन लैंग्वेज सपोर्ट भी मिल जाता है आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो कि बहुत सारे भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। और बात कर लें इसके अन्य फीचर्स की तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट के लिए और इस सेगमेंट पे फर्स्ट ही है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स आपको मिलते हैं विद हीटर, और नीचे USB और 12 वोल्ट के सॉकेट और Type-C पोर्ट मिलता है आपको, Type-C पोर्ट आपको पीछे भी मिलता है। बात कर लें इसके गियर्स की तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 1.2 लीटर के इंजन मिलते हैं, वहीं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 1.5 लीटर CIDI डीजल में आपको 6 स्पीड मिलते हैं ट्रांसमिशन। इसके स्टीयरिंग की बात कर लें तो इसमें आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स के साथ साथ आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल और पेडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन सेविटी मिल जाता है, और यहाँ आपको वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लें तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको इसमें दिया गया है जो कि जिसकी इल्यूमिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें आपको कई कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो इसके कलर्स को, और बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले होते हैं। बात कर लें इसके और फीचर्स की तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन दिया गया है और हेडलाइट लेवलर का भी स्विच दिया गया है। इसके सीट्स की बात करें तो इसमें 60-40 स्प्लिट सीट्स फंक्शन आपको मिल जाते हैं, और इसके ड्राइवर सीट की बात करें तो 6-way एडजस्टेबल सीट आपको मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली है, और इसकी रियर सीट्स थोड़ी सी रिट्रैक्टेबल हैं। बात करें इसके थाई सपोर्ट्स की तो थाई सपोर्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, और पीछे में भी आपको थाई सपोर्ट्स अच्छे मिलेंगे, साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स आपको इसमें दिए गए हैं। फ्रंट वाले सीट्स पीछे से थोड़े से स्कूप्ड हैं जो कि बैठने में लोगों को आसान बनाते हैं, साथ में ही आपको इसमें रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके कलर्स ऑप्शन की तो इसमें कुल 6 कलर प्लस एक एक्स्ट्रा कलर ऑप्शन आता है जो कि पहला है फियरी रेड, और साथ ही रेड में आपको मिल जाता है कॉम्बिनेशन के साथ फियरी रेड विद फैंटम ब्लैक, और एक कलर पोलर वाइट आता है और फैंटम ब्लैक इसका एक कलर है, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे और डेनिम ब्लू, इतने सारे कलर्स ऑप्शन आपको आते हैं इसमें। बात कर लें इस कार के प्राइस की तो हम डीजल और पेट्रोल दोनों में इसके प्राइस को जानते हैं। हम इसका एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट SX 1.2 पेट्रोल ड्यूल टोन लेते हैं
तो अगर आप इसे यूपी से लेते हैं तो लखनऊ में इसका एक शोरूम है 11,04,100 रुपये, रजिस्ट्रेशन 1,12,510, इंश्योरेंस 56,703, अदर चार्जेस 13,195, टोटल होते हैं 12,86,508। ये आपको हो गए पेट्रोल 1.2 के। बात कर लें इसके डीजल इंजन की, तो हम इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट SX 1.5 CRDI ड्यूल टोन लेते हैं, और इसको यूपी से आप लेते हैं तो इसका एक शोरूम प्राइस 12,27,600 है, रजिस्ट्रेशन होते हैं 1,06,208, इंश्योरेंस 57,936, अदर चार्जेस 14,430, टोटल होते हैं 14,06,174। थोड़े से ओवर प्राइस तो है, लेकिन दोस्तों इसका डीजल इंजन बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंजन है। इसमें आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, ये इसका डीजल इंजन लेने लायक है और आप इसको चेक ज़रूर करें। अब बात कर लें इसके माइलेज की, तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी 17 का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन आपको ओवरऑल 13 से 14 का माइलेज मिल जाएगा सिटी में, 17 आपको हाईवे मिल सकता है। डीजल की माइलेज कंपनी 23 क्लेम करती है, लेकिन आपको ओवरऑल 20 तो मिलना ही मिलना है, हाईवे पे आप 20 प्लस निकाल सकते हैं, ये आपके ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।